देखो यार, जस्ट अभी मैंने एक गाना सुना है जिसका नाम होने वाला जॉली जिमखाना। हाँ भाई यार, बिस्ट मूवी की तरफ से आने वाला उसका सेकंड सॉन्ग फाइनली रिलीज हो गया है और इसी के करने वाला रिएक्शन देखने वाले कैसा लगा, कितना पसंद आया। पर उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, गाने का रिएक्शन बाद में करेंगे कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, पहले एक बात सुन लो। अगर इन सभी गानों को बिना डब किए और मूवी के साथ रिलीज कर देते हैं हिंदी डब करवा के, बस गाने को डब में करवाए ऐसे जोड़कर रिलीज कर दें, तो भैया पक्का हिंदी जितनी ऑडियंस है ना इन सभी गानों को अपने जवान में बैठा देगी और ये गारंटी है। आप जाके एक बार सुन के तो देखो क्या बवाल टाइप है। तो फिर चलो ज्यादा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका रिएक्शन पर इस इंट्रो के बाद। तो अगर गाने की थोड़ी बेसिक बातों के बारे में अगर आपको बता दें, तो उसको लिखा है कार्तिक ने, उसके बाद जो म्यूजिक है उसको यार पूरे मूवी का म्यूजिक हो या फिर सारे गाने का म्यूजिक की बात कर लो तो उसको तो यार अनुरोध ने दिया ही है। और इनका म्यूजिक यार फर्स्ट गाने से ही हिट हो चुका है, जो अरबी कत्थू जो गाना आया था उसी में ही जो इन्होंने अपने म्यूजिक का पावर दिखा दिया था कि कितना वर्ल्ड टाइप होने वाला है। वो गाना लगभग यार 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है और हर ऑडियंस के जबान पे है, मतलब वर्ल्ड टाइप, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हर जगह वो गाना हिट हुआ, पसंद आया, चाहे लिरिक्स वाइज हो या फिर बैकग्राउंड स्कोर वाइज हो या फिर सिंगर की आवाज वाइज हो, हर तरीके से गाना यार वर्ल्ड टाइप था और पसंद आ रहा था। और ये भी गाना भी सेम ऐसा होने वाला है, इसको वैसे गाया थलावती विजय ने, और चाहे लिरिक्स हो इस गाने का, बैकग्राउंड स्कोर हो या फिर पूरा म्यूजिक हो, मतलब एक गाना होता है ना जिसको सुन के आपके पैर अपने आप ही हिलने लगते हैं, अपने आप ही आप झूमने लगते हो, वो फीलियर क्रिएट कर देता है पूरा गाना। आप जब सुनोगे तो आपका मतलब मन एकदम से खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आप झूमने लगोगे, एक इंजॉय करते हो किसी गाने को सुन के, एक तरीके से रिलैक्स माइंड होके, वो चीज यार गाना करवाता है, पसंद आएगा आपको। और ये गारंटी है, लिरिक्स वाइज गाना बहुत ज्यादा अच्छा है, जितने स्लो लिरिक्स है उतने ही प्यारे हैं। अगर इस गाने को मतलब लिरिक्स को बिना डब कराए भी रिलीज किया जाए हिंदी में मूवी के साथ में, तो गाना पक्का हिट होगा, हिंदी ऑडियंस इसको प्यार देगी और पसंद आएगा सच में। जब से यार इसका प्रोमो आया था, मतलब फर्स्ट जो टीजर आया था निकल के, उसी को मैंने यार काफी बार देखा है, सुना है, वो मतलब यार म्यूजिक एक अलग ही टाइप है, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और मतलब काफी बार उसको सुन लेते हो, मतलब काफी बार मजा आता है सुन के कुल मिला के। और वैसे पूरा गाना भी है, लिरिक्स वाइज हो, बैकग्राउंड स्कोर वाइज हो, वीडियो वाइज हो, देखो कलर की बात कर लो, देखो यार कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसको आप डार्क दिखा सकते हो, जिसको आप सीरियस मोड में दिखा सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिसको मजाक वैसे में दिखा सकते हो, पर जो इसमें कलर यूज किए जा रहे हैं पूरे वीडियोस में, चाहे पहला जो वीडियो आया था इसका उसमें, वो थोड़ा हाईलाइट हो रहे हैं, जो कलर जैसे ग्रीन हो या फिर पीला हो, ऐसे कलर जो आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। और यहाँ भी पूरा गाना हो या फिर विजय सेतुपति का लुक हो या फिर इसका अलग जो भी बहुत सी चीजें देखने को मिली, वो सब चीजें के बारे में बात करो, तो वो यार एक तरीके से इसी टाइप के कलर थे पूरे वीडियो में, हाईलाइट वाले जो आपका आंखों में बसे रहेंगे, आप उनके वैसे भी काफी बार वीडियो को देख सकते हो, बाकी पूजा हेगड़े हो और जो सब देखने को मिलते हैं वो सब भी यार लाजवाब है। अगर ऐसा निकल के आती है पूरी मूवी तो उसमें बवाल तो मचाने वाली है, और 14 तारीख में आती है तो केजीएफ को भी अच्छी टक्कर मिलने वाली है, ये तो बोल सकते हैं, मतलब यार केजीएफ तो इस समय ब्रांड बना पड़ा है, उसकी तो कुछ बात नहीं कर सकते, पर हाँ अगर एक नॉर्मल मूवी आकर अच्छी टक्कर देती है तो उसकी भी बात करनी चाहिए। फिलहाल यार जो यहाँ से दोनों गाने निकल के अच्छे रहे, हिट रहे, मजा आया सुन के, और ये गाना भी आपको पसंद आने वाला है, तो आपको कैसा लगा कमेंट कर बता दो। मेरे को गाना पर्सनली यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जितना इंतजार था उस हिसाब से गाना हिट हुआ है और पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट कर बताओ। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो साथ में।